सीतापुर में 15 साल के नाबालिग से दरिंदगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता शौच के लिए घर गई थी। आरोप है कि गांव के ही 3 युवकों ने लड़की को उठा लिया और गांव के बाहर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और घर के बाहर छोड़कर मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर गाँव के ही 3 लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। और अमरजीत सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं सीतापुर से। अमरजीत, आखिरकार देखा जाए तो तीनों ही जो आरोपी बताए जा रहे हैं, जिन्होंने इस हैवानियत को अंजाम दिया गया है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या एक्ट किस तरह से, किन धाराओं के तहत अब इन पर कार्रवाई की जाएगी पुलिस के जरिए? ऋतु, जैसे ही पुलिस संज्ञान मामला आया था, पुलिस ने आम में मुकदमा दर्ज कर लिया था और 376(3)(4) पॉक्सो एक्ट के तहत तीनों आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है और विवेचना इसकी जारी है। हालांकि पुलिस पूरे मामले को अपने तरीके से सामने घुमाने की कोशिश कर रही है, लेकिन चूंकि जो पीड़िता का बयान है, जो पीड़िता की तहरीर है, उसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा जो है वो कांग्रेस के तहत ही दर्ज किया है और नाबालिग होने के चलते पॉक्सो एक्ट की धारा भी उसमें लगाई गई है, जिससे तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनको उन्हीं धाराओं में जेल भेजने की कार्रवाई की गई। अमरजीत, क्या बच्चे की जो स्थिति है वो ठीक है? परिजन क्या कुछ कह रहे हैं? परिजनों की माने और जो डॉक्टर से बात हुई है, उनके हिसाब से जो पीड़िता है उसकी स्थिति ठीक है। उसकी जो भी फर्स्ट ट्रीटमेंट होना था वो किया गया है, मेडिकल रिपोर्ट में चीजें होनी तो उसकी है, लेकिन इसके बाद भी बच्चे की जो स्थिति है वो बिल्कुल ठीक बनी हुई है और वो खतरे से बाहर है। लेकिन कहीं ना कहीं जो पुलिस की कार्यशैली है उसमें ये जरूर दिख रहा है कि दोषियों को बचाने की एक जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं की जा रही है। जिस तरीके से पुलिस के अधिकारियों का बयान जारी होता है, उसके साथ साथ ये सफाई दी जाती है कि ये चीजें जो है पूरी तरीके से नहीं, मतलब पुलिस कहीं ना कहीं इस पूरी घटना को बहुत ज्यादा संजीदगी से नहीं ले रही है। शायद इसी का नतीजा है कि लगातार इस तरीके से अपराध हो रहे हैं। चलिए, धन्यवाद आपका अमरजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए।